देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। कोरिया में 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव, अंबिकापुर जिला अस्पताल में रिफर। कोरिया जिले के अंतर्गत नगरीय निकाय चिरमिरी के हल्दीबाड़ा में एक 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक को अंबिकापुर स्थित जिला अस्पताल रिफर किया गया है। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित युवक 8 मई को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से पत्नी के साथ चिरमिरी के हल्दीबाड़ी वापस आया था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, लॉकडाउन में फंसे लोगों का करे सहयोग। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सबसे ज्यादा परेशान मजदूर वर्ग के लोग हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को अपने घर पहुँचने जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मजदूरों को घर पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यूपी के औरिया में 2 ट्रकों की टक्कर से 24 मजदूरों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के औरिया में शनिवार हुए तड़के सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। 24 मजदूरों की मौत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के औरिया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के औरिया में हुए सड़क हादसे में श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृत श्रमिकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते दुर्घटना में घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली वन आवास और पर्यावरण विभाग समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थे। देश में अब तक 85,940 मामले, 24 घंटे में 103 मौतें व 3,970 नए केस। भारत ने कोरोना के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई है। कोविड-19 से अब तक 2,552 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़े की, तो पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौतें हुई हैं और कुल 3,970 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट में काम आई मोदी ट्रंप की दोस्ती। कोरोना संकट के बीच अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती की झलक देखने को मिल रही है। भारत ने जहाँ कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका को एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन देकर मदद की, वहीं कोरोना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत को करीब 200 वेंटिलेटर दान करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 3 सप्ताह के भीतर अमेरिका से ये 200 मोबाइल वेंटिलेटर भारत आएंगे। एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। और यह हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया है। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही है। कोहली के लिए पत्नी अनुष्का बनी गेंदबाज। लॉकडाउन की वजह से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भले ही नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास नहीं कर पा रहे हों, लेकिन वे पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट मुंबई में अपने फ्लैट के नीचे खाली जगह पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल ने कहा, लॉकडाउन ने अपनों का एहसास करवाया है, कहीं भी रहूं लेकिन परिवार को वक्त जरूर दूंगा। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल 16 मई को अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता का कहना है कि कोरोना महामारी ने उन्हें परिवार के मूल्य और एक दूसरे के लिए होने का एहसास कराया है, इसलिए अपने वे 32वें जन्मदिन पर वह अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं। विक्की ने कहा कि यह समय मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो मैं अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताऊंगा। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।